हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि ये वीडियो है गुरु नानक देव जी जयंती के बारे में, जो कि हम लोग जो कि 12 नवंबर को है, और हमारे लिए बहुत एक एक आई थिंक हम लोग इससे पहले हमने एक वीडियो पर किया हुआ था, बिल्कुल वो थी नानक पार नानक, हाँ, जो दिलजीत सांझ की थी, बिल्कुल। और अभी हम कर रहे हैं इस वीडियो पर, जिसका टाइटल आपको मौजम बताएंगे, सतगुरु नानक आए ने सेलिब्रेटिंग 550 इयर्स ऑफ गुरु नानक देव जी। और ये जो वीडियो है ये जिस चैनल पे अपलोड की गई है, उस वीडियो का, उस चैनल का रिएक्शन लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक और हमारे ट्विटर का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, एंड देन वी विल डिस्कस कि हमें वीडियो कैसी लगी। वीडियो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, हम लोगों को उसमें से क्या समझ आया हम वो शेयर करेंगे आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सतगुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, ये पीछे गोल्डन टेंपल, ये बहावलपुर शायद। काफी सिंगर्स है ना। चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने, चलो चल रल मिल दर्शन करिए सतगुरु नानक आए ने, चलो चल पक सागर मिल तरिए कलयुग तारन आए ने, चलो चल पौ सागर मिल तरिए कलयुग तारन आए ने, सतगुरु नानक आए ने, सतगुरु नानक आए ने, उनकी आवाज में कितनी अच्छी पंजाबी की खनक थी, है ना। मैं गुरुद्वारा बनाऊंगी सर, डिफरेंट सिंगर्स, ओ सच्चा सौदा गुरु दा,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ हम अगर बात करें आज की वीडियो की तो वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से जो है हर चीज़ को उसमें रिप्रेजेंट किया गया था। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें दिलजीत दोसांझ सर जो हैं उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया था गुरु नानक जी को, और उसमें जो मैसेज दिया गया था उसमें भी पीस और हारमोनी का मैसेज दिया गया था। और इस वीडियो की भी अगर बात करें तो हाँ बिल्कुल नहीं आप बोले हाँ बिल्कुल, अगर इस वीडियो की बात करें तो मैं ये बोलूंगी कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब वाकई में सिंगर्स इतने बड़े बड़े नाम है कि उनको उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये कि डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों से वो इकट्ठे होकर ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा। ये इतना खूबसूरत मैसेज है, पीस का एक मैसेज है जो कि सब लोगों तक जाता है। आई मीन हमेशा वो कहते हैं ना कि मौसीकी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है और ऐसा सोर्स है जो जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। बिल्कुल, कलाकार की जो कहते हैं कोई बाउंड्री नहीं होती, वो जो है यानी कि जहां जहां उसकी जुबान समझ आती है वो वहां वहां का है। और अगर बात करें आज से जो है 3 से 4 दिन बाद यानी कि 12 नवंबर को जो है गुरु नानक देव जी की जयंती है, और अगर हम गुरु नानक जी की बात करें तो ये राय भो की तलवंडी जो कि अब ननकाना साहब है वहां पर ये पैदा हुए थे, और अगर इनकी बात की जाए तो करतारपुर जो वहां पर इनकी डेथ हुई थी। और अगर बात करें सिंगर्स की तो बहुत बड़े बड़े नाम है जिनमें जसपिंदर नरोला मैम है, कपिल शर्मा है, नीति मोहन, ऋचा शर्मा, सलीम मर्चेंट, शान शेखर शंकर महादेवन, शेखर रवि आई थिंक शेखर हाँ शेखर ओके सुखशिंदर शिंदे, और बिल्कुल और बहुत ही खूबसूरत मैं कहूंगी कि ये एक कलाम है जिस तरीके से इन लोगों ने पेश किया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। और यू नो एक आपको एक यू नो रूहानियत फील होती है उसमें सुनने में, जैसे हम लोगों ने आर नानक पार नानक भी सुना था तो उसमें भी एक रूहानियत थी। और लेकिन ये कि स्टोरीज क्या होती हैं, जैसे उसमें भी एक स्टोरी थी वो हम लोगों को इतना नहीं पता चला था, इतना आइडिया नहीं हुआ था, लेकिन हमारे व्यूवर्स ने हम लोगों को वो सारी डिटेल्स बताई थी कॉमेंट सेक्शन में। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये कलाम भी जो उनसे है वो मतलब जो वर्ड्स थे वो काफी डिफिकल्ट थे हमारे लिए, तो प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा। आई मीन थोड़ी बहुत तो हम लोगों को समझ लगी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये कि अगर हम बात करें कि हर एक वर्ड की तो मतलब हम लोगों को वर्ड बाय वर्ड ही पता चला कि क्या है, तो वो काइंडली आप हमें जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से मतलब क्या उन्होंने मैसेज किया, क्योंकि हमने बाद में इसके लिरिक्स भी देखे थे तो वो हमें जो है बहुत ज्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि काफी ज्यादा बीच में ऐसे वर्ड थे जो हमें समझ नहीं लग रही थी, तो इसलिए आप हमें जरूर बताइएगा कि इसका पूरा प्रॉपर एक मैसेज क्या था। और अगर हम बात करें तो ये फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है ये कार्तिक पूर्णिमा में सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक कैलेंडर है जिसके अकॉर्डिंग इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अब गुरु की जो कि पहले सिखिज्म में जो पहले फाउंडर थे, वो गुरु नानक साहब थे, और उनके बाद जो है 10 गुरु आए थे जिनमें गुरु अंगद हैं, नहीं टोटल दस गुरु थे। हाँ, उनके बाद नहीं मतलब टोटल 10 गुरु थे वो भी उनमें शामिल थे। फिर गुरु अमरदास थे, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, गुरु हर गोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद
गोबिंद सिंह एंड गुरु ग्रंथ साहिब। तो हमारे लिए भी ये चीज़ें बहुत नई हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर, और आप भी हमें मज़ीद चीज़ें ज़रूर बताइएगा। और अगर बीच में कहीं कोई गलती होगी हो तो उसके लिए हम आपसे पहले ही माफ़ी करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक चीज़ें क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन आप जानने की कोशिश करते हो, आप पढ़ते भी हो, तो बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो उनसे वो रह जाती हैं, तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ हम आपको फिर से एक मरतबा शुभकामनाएं पेश करते हैं इस फेस्टिवल की इन एडवांस। तो हमें रखिए दुआओं में याद और हम आपसे लेंगे इजाजत। हमारे वीडियोस करें लाइक, हमारे चैनल करें सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस करें शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।